हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल kalakar.net। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रॉस हैचिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेपलिंग के बारे में जानेंगे। स्टेपलिंग में हम कैसे ड्रॉ करके उसमें लाइट टू डार्क शेडिंग दिखाते हैं, वो मैं आपको स्टेपलिंग में बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक लाइटिंग इफ़ेक्ट्स की क्लास दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर रोशनी यहाँ से पड़ती है तो कौन सा पोर्शन लाइट होगा, कौन सा पोर्शन डार्क होगा। इसकी मैं आपको एक क्लास दूंगी कि कहाँ पर रोशनी पड़ने से उसके अपोजिट साइड डार्क रहता है और जहाँ पर रोशनी पड़ती है वहाँ पर लाइट रहता है वो पोर्शन, और हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, किस किस एंगल में लाइट वो पड़ती है। तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगी इसके रिगार्डिंग। तो आज की क्लास स्टेपलिंग की हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेपलिंग। स्टेपलिंग टेक्निक को जानने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक किसी भी एक फ्रूट का फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिर हम उसके में लाइट टू डार्क शेडिंग देखेंगे। स्टेपलिंग में लाइट टू डार्क शेडिंग कैसे होती है, पहले हम एकदम लाइट बनाते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी शेप ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है। ये हमारा एक नाशपाती का फिगर ड्रॉ हो गया। अब हमें इसमें देखना है स्टेपलिंग के थ्रू लाइट टू डार्क शेडिंग हम कैसे दिखाते हैं। जो जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ है वहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट आएगा, और जो पोर्शन उसके पीछे जहाँ पे लाइट कम पड़ रही है वहाँ पे डार्कनेस दिखाई देगी, मतलब वहाँ पे डॉट्स हमें ज़्यादा दिखाने होंगे। स्टेपलिंग करने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग वर्क है। इसमें बहुत टाइम लगता है करने में, क्योंकि एक एक डॉट को हमें पेशेंटली ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि डॉट के थ्रू ही हमें लाइट टू डार्क शेडिंग्स दिखानी होती है। तो चलिए देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट आता है।
ये एक पूरा फिगर रेडी हो गया। इसमें हमने स्टेपलिंग के थ्रू लाइट टू डार्क शेडिंग दिखा दी है। ये वाला पोर्शन उठा हुआ है थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, ये पोर्शन उठा हुआ है, ये जो जो भी पोर्शन उठे हुए हैं वहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो इसलिए वो लाइट दिखाई दे रहा है। बाकी जहाँ पे भी डॉट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे रोशनी कम नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम लाइट टू डार्क शेड दिखाते हैं स्टेपलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रबल के बारे में जानेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू।